नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इस क्रिकेट बुलेटिन में। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि आईपीएल 2022 के पहले दिन का मेगा ऑक्शन खत्म हो गया है और दोस्तों उस मेगा ऑक्शन के दौरान कौन से खिलाड़ियों को खरीदा गया है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा और दोस्तों कितने कीमत पर खरीदे गए हैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आप आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग आईपीएल की मेगा ऑक्शन शुरू हो चुकी है। इस लीग में 600 खिलाड़ियों की किस्मत दांव पर लगी है। आईपीएल में इस बार 10 टीमें हिस्सा ले रही है। सभी 10 टीमों के खिलाड़ियों को बात की जाए तो सभी 10 टीमों ने कौन से खिलाड़ियों को खरीदा है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स में सबसे पहले बात की जाए तो उथप्पा को 2 करोड़ रुपए में खरीदा है, रॉबिन उथप्पा को। इसके बाद ड्वेन ब्रावो को 4 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा है। इसके बाद अंबती रायडू को 6 करोड़ 75 लाख में खरीदा है। दीपक चाहर को 14 करोड़ रुपए में खरीदा है। केएम आसिफ को 30 लाख रुपए में और तुषार देशपांडे को 20 लाख रुपए में खरीदा है। इसके बाद दोस्तों दूसरी टीम है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस ने सबसे पहले ईशान किशन को 15 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। इसके बाद डिवॉल्ड ब्रेविस को 3 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके बाद बसिल थम्पी को 30 लाख रुपए में और मुर्गन अश्विन को 1 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा है। इसके बाद तीसरी टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सबसे पहले फैफ ड्यूप्लेसिस को 7 करोड़ रुपए में, हर्षल पटेल को 10 करोड़ 75 लाख में, वरिंदु हसारंगा को 10 करोड़ 75 लाख रुपए में, दिनेश कार्तिक को 5 करोड़ 5 लाख रुपए में, जॉस हेजलवुड को 7 करोड़ 75 लाख रुपए में, शाहबाज अहमद को 2 करोड़ 4 लाख रुपए में, इसके बाद अनुज रावत को 3 करोड़ 40 लाख रुपए में और आकाशदीप को 20 लाख रुपए में खरीदा है। इसके बाद चौथी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात की जाए तो पैट कमिंस को 7 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। इसके बाद श्रेयस अय्यर को 12 करोड़ 25 लाख रुपए में, नीतीश राणा को 8 करोड़ में, शिवम मावी को 7 करोड़ 25 लाख रुपए में, शेल्डन जैक्सन को 60 लाख रुपए में खरीदा है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए तो पांचवी टीम है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स ने डेविड वॉर्नर को 6 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है, मिचेल मार्श को 6 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा है, शार्दुल ठाकुर को 10 करोड़ 75 लाख, मुस्तफिजुर रहमान को 2 करोड़, कुलदीप यादव को 2 करोड़, अश्विन हेबर को 20 लाख, सरफराज खान को 20 लाख, कमलेश नागरकोटी को 1 करोड़ 10 लाख, के एस भरत को 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके बाद दोस्तों छठी टीम है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने सबसे पहले शिखर धवन को 8 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। इसके बाद कगिसोर अबाड़ा जिनको 9 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। इसके बाद राहुल चाहर को 5 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है, शाहरुख खान को 9 करोड़ रुपए में खरीदा है, इसके बाद हरप्रीत बराड़ को 3 करोड़ 8 लाख रुपए में खरीदा है, इसके बाद प्रप सिमरन सिंह को 60 लाख रुपए में खरीदा है, इसके बाद जितेश शर्मा को 20 लाख, ईशान पोरेल को 25 लाख रुपए में खरीदा है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए तो सातवीं टीम है राजस्थान रॉयल्स, जिन्होंने अश्विन को यानी रविचंद्रन अश्विन को 5 करोड़ रुपए में, सिमरन हेटमायर को 8 करोड़ 50 लाख में, देवदत्त पड्डीकल को 7 करोड़ 75 लाख में, ट्रेंट बोल को 8 करोड़ में, प्रसिद्ध कृष्णा को 10 करोड़ में, युजवेंद्र चहल को 6 करोड़ 50 लाख रुपए में और केसी करियप्पा को 30 लाख रुपए में खरीदा है। टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, जिन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को 8 करोड़ 75 लाख में, निकोलस पुरन को 10 करोड़ 75 लाख में, टी नटराजन को 4 करोड़ में, भुवनेश्वर कुमार को 4 करोड़ 20 लाख में, प्रियम गर्ग को 20 लाख, अभिषेक शर्मा 6 करोड़ 50 लाख, कार्तिक त्यागी 4 करोड़, श्रेयस गोपाल 75 लाख, जगदीश सुचित 20 लाख रुपए। दोस्तों इन खिलाड़ियों को सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है। इसके बाद टीम है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस की बात की जाए तो मोहम्मद शमी जिनको 6 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है, जेसन रॉय को 2 करोड़, लॉकी फर्ग्यूसन को 10 करोड़, अभिनव सदारंगी जिनको 2 करोड़ 6 लाख रुपए में खरीदा है, इसके बाद राहुल तेवटिया को 9 करोड़ रुपए में और साई किशोर को 3 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके बाद टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिन्होंने क्विंटन डिकॉक को 6 करोड़ 75 लाख में खरीदा है, मनीष पांडे को 4 करोड़ 60 लाख, जेसन होल्डर को 8 करोड़ 75 लाख, दीपक हुडा को 5 करोड़ 75 लाख, कृणाल पांड्या को 8 करोड़ 25 लाख, मार्क वुड 7 करोड़ 50 लाख, आवेश खान जिनको 10 करोड़,
अंकित राजपूत जिनको 50 लाख रुपए में खरीदा है और दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन खिलाड़ियों को खरीदा है। इसके बाद दोस्तों जिन खिलाड़ियों को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है उसके बारे में बात की जाए पहले दिन के लिए, तो जिसमें डेविड मिलर, सुरेश रैना, स्टीव स्मिथ, शकीब अल हसन, मोहम्मद नबी, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, सैम बिलिंग्स, उमेश यादव, अदिल रशीद, मुजीब जादरान, मुजीबुर रहमान, इमरान ताहिर, एडम जंपा और अमित मिश्रा। दोस्तों इन खिलाड़ियों को इस बार आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के पहले दिन के दौरान नहीं खरीदा गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा।